नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक निदान में। फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बादाम खाने के सही तरीके के बारे में, कि हम बादाम किस तरह से खाएं। अक्सर आप सुने होंगे कि इसे भिगो के खाने से ज़्यादा फायदा करता है, तो आइए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ अपने वीडियो में कि किस प्रकार से बादाम को खाएँ और क्यों भिगो के खाने में ये बादाम फ़ायदा करता है। हमें अक्सर ये सलाह दी जाती है कि बादाम को भिगो के खाएँ, विशेष रूप से रात में भिगोएं और सुबह खाएं। एक बार जब बादाम को भिगो लिया जाता है तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतरता है, वो मुलायम हो जाता है और अच्छे से चबा के खाने में भी आसान हो जाता है। पर हम ये नहीं जानते हैं कि बादाम खाने का, भिगो के खाने का क्या मुख्य कारण होता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सादे बादाम में टैनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो बादाम में निहित पोषक तत्वों के शरीर में अवशोषण को रोकता है। बादाम को यदि रात में भिगो के खाते हैं तो ये टैनिन दूर होता है और ये पोषक तत्व आसानी से अब शरीर में अवशोषित हो सकते हैं। यही कारण है कि हम बादाम को भिगो के खाते हैं और ये ज़्यादा फायदा करता है हमें। बिना भिगोए हुए बादाम को खाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम भिगो के खाते हैं, अगली सुबह इसका छिलका उतार के खाते हैं, तो टैनिन नाम का ये एंजाइम दूर हो जाता है और हमारे जो भी इसमें पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से, प्रोटीन, फाइबर और ये कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, ये अच्छे से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सुबह सुबह सबसे पहले भीगे हुए बादाम खाने से पेट से निकला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेगुलेट होता है, इससे एसिडिटी भी ठीक रहती है और पेट में प्रोटीन का पाचन पूरे दिन ठीक रहता है और सीने की जलन भी दूर होती है और पेट की समस्या भी दूर होती है। बादाम खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मोटापे के लिए भी अच्छा होता है, मतलब अगर इसे हम लोग सवेरे सवेरे खाते हैं तो वजन घटाने में बहुत सहायक होता है। बादाम दिमाग को भी तेज करता है, इसकी मालिश से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसका जो तेल होता है बादाम का, उससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। और इसका तासीर जो होता है काफ़ी गर्म होता है, तो जाड़े में ये आसानी से खाया जा सकता है। इसको हम अपने व्यंजन में भी डाल के खा सकते हैं। अनेक पोषक तत्व से प्रचुर बादाम जो होता है वजन घटाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और इसका सेवन सही तरीके से किया जाए, पेट भर के खाया जाए और जिंक और विटामिन ई की मौजूदगी की वजह से ये शुगर के लेवल को कम करता है जिससे वजन भी घटता है। तो बादाम का सेवन करना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदा होता है। ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है। हमारे बालों में अगर बादाम का तेल लगाया जाए तो वो भी अच्छा होता है, बाल झड़ने से रोकता है, रूसी में भी हेल्प करता है क्योंकि बादाम में विटामिन ई, बायोटिन, मैग्नीशियम, जिंक, फैटी एसिड होते हैं जो बालों के पोषक, मतलब पोषण देते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दो मुँहे बाल होते हैं तो कम हो जाते हैं और चूंकि इसमें मैग्नीशियम से भरपूर होता है बादाम, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये केवल ब्लड सर्कुलेशन को नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर में भी सुधार लाता है, दिल के दौरे के खतरे भी कम होते हैं, इसलिए बादाम का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। बादाम का सेवन करने से, नियमित रूप सेवन करने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कम हो जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो बादाम हर तरह से अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें जो होता है स्वस्थ वसा, मतलब फैट जो होता है, हेल्दी फैट, विटामिन, फाइबर, बादाम में बहुत सारे मिनरल्स और मौजूद होते हैं। बादाम जैसे खाने से डायबिटीज़ जो होती है टू टाइप की, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। रोज़ाना एक औंस बादाम खाएं और रक्त में शुगर का स्तर सही से बना सकते हैं। बादाम खाने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, अधिक मात्रा में इसे नहीं खाना चाहिए। बादाम के अधिक सेवन करने से कब्ज और पेट में सूजन हो सकता है क्योंकि ये फाइबर में उच्च होता है। यदि आप एक मैग्नीस युक्त डाइट पर हैं और आप बादाम खा रहे हैं तो
ये आपकी दवाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसका कारण यह है कि बादाम में मैग्नीज होता है। मैग्नीज जो होता है शरीर में उच्च राशि रोचक औषधियां जैसे एंटीबायोटिक दवाइयों को और कुछ बीपी की दवाइयां होती हैं उसमें कुछ हस्तक्षेप करता है, और इसका सेवन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अगर ये दवाइयां ले रहे हैं तो। हमें विटामिन ई 15 mg हर दिन की आवश्यकता होती है। बादाम में बड़ी मात्रा में खपत से हम इस मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। विटामिन ई के दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे पेट फूल जाता है, दस्त होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, सुस्ती आती है, दृष्टि मतलब साफ नहीं दिखती है, विजिबिलिटी ठीक नहीं रहती है, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ हो, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। गर्म होने की वजह से ही लोग सर्दियों में ज़्यादा इसे खाते हैं, अन्यथा ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है, पर गर्मियों के मौसम में इसका कम सेवन करना चाहिए। ज़्यादा सेवन करने से ये हमारे बॉडी की गर्मी बढ़ाता है और तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बादाम खाने का सही समय सुबह है, निर्भर करता है। जैसे कि यदि आप हार्ट की या दिल की समस्या के लिए खा रहे हैं तो दिन के दौरान आप खा सकते हैं बादाम। अगर आप एथलेटिक हैं और फुर्ती और एनर्जी के लिए खा रहे हैं तो सुबह सुबह खाली पेट आप बादाम खा सकते हैं। अगर आपको नींद कम आती है और सोने में समस्या है तो आप इसे शाम को खा सकते हैं, क्योंकि बादाम में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम नींद लाने में मदद करता है। तो बादाम खाने के अलग अलग तरीके हैं आप, लेकिन अगर सुबह इसे छिलका उतार के खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा दिखेगा। बादाम हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो बादाम का सेवन का किस तरह से किया जाए अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब